नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सिरिंज पंप के बारे में। फ्री नॉलेज देने जा रहा हूँ, फ्री, बिल्कुल फ्री। देखो, सिरिंज पंप में बेसिक बेसिक सी क्या प्रॉब्लम आती हैं, उनके क्या सॉल्यूशन हैं, वो मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ, जो बेसिक बेसिक है वो। ज़्यादा डिटेल में तो मैं नहीं जाऊँगा। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे अब यहाँ पे हमारा सिरिंज पंप ऑन हो गया है, इसमें हम कितने भी अमेरिकी सिरिंज डालें, सिरिंज पंप जो है ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है। कैसे करता है उसका मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो ये प्लंजर है ना, जितने एम एल की सिरिंज, जैसे 10 ml की उसका डाई बहुत कम होगा, 20 का उससे ज़्यादा, 30 का उससे ज़्यादा, 50 का उससे ज़्यादा, वही प्रिंसिपल जो यूज़ करता है ये। देखो, ये प्लंजर है, जैसे हम इसको खींचते हैं, 5 ml सिरिंज इसने डिटेक्ट कर ली। देखो यहाँ पे लिखा रहा है, और इसको थोड़ा खोलेंगे तो 10 ml सीरीज डिटेक्ट कर ली। इसको और खोलेंगे, 20 ml, 30 ml, 50 ml। इसका जो सीरीज सेंस करने का जो प्रिंसिपल है वो यही है। इसके अंदर सेंसर होता है, सेंसर मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। दूसरा एक सीरीज पंप जो है ओपन कर रखा है, देखो इसमें भी सेम ऐसा एक प्लंजर है। ठीक है, ये देखो अंदर इसके जो ये बोर्ड है ना, इसके अंदर सेंसर लगे हुए हैं, 4-5 सेंसर हैं, जैसे 10 ml का, 20 ml का, 30 ml का और 50 ml का। 4 सेंसर इसमें लगे हुए हैं। देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 है, एक सेंसर की दो वायर है, तो 4 सेंसर हो गए ना इसमें। देखो, इस प्लंजर को हम जितना खींच रहे हैं ना, इसके अंदर एक कट बना होता है। कट जिस भी सेंसर के सामने वो कट जाएगा तो ये सेंसर उसको डिटेक्ट कर लेगा, 20 ml सीरिंज डल गई है, 50 डल गई है या फिर 10 ml डल गई है। ठीक है, ये इसका जो है ना सीरिंज डिटेक्ट करने का प्रिंसिपल होता है। हाँ, तो इसमें प्रॉब्लम आती है कि हमारा जो सीरिंज पंप है वो सीरिंज को डिटेक्ट नहीं कर पाता है, तो उसका ये रीज़न हो सकता है, या तो हमारे यहाँ कोई सेंसर के आगे कचरा आ गया है। उस वो हर समय ये सोचता है कि जो ये जो प्लास्टिक वाला पार्ट है उस सेंसर के आगे वो है, जब तक कचरा रहेगा ये दिक्कत आती रहेगी। दूसरा रीज़न हो सकता है कोई सेंसर ख़राब हो। तीसरा रीज़न हो सकता है कि वायर लूज हो। ठीक है, चौथा रीज़न हो सकता है ये सेंसर का जो ये प्लास्टिक वाला पार्ट है ये टूट गया हो। देखो, इसमें यहाँ पे एक लॉक लगा हुआ है, लॉक देखो यहाँ पे लॉक लगा हुआ है, कई बार ये लॉक निकल जाता है, और स्प्रिंग का इसमें प्रेशर तो रहता ही है, तो ये बिल्कुल बाहर निकल जाता है। फिर भी इसमें कोई भी कितना ही खींच लो, इसको सीरिंज डिटेक्ट जो है नहीं हो पाएगी। तो इसका सोल्यूशन यही है, सीरिंज पंप को खोलो और इसको चेक करो, प्रॉपर तरीके से इसको लगाओ। दूसरा जो है इसमें होता है प्लंजर पे एक बटन। ठीक है, जब हम इसमें सीरिंज डालेंगे ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये बटन दब जाएगा। ठीक है, अगर ये बटन नहीं दब रहा है तो अपनी सीरीज प्रॉपर नहीं लगी। देखो, जैसे हम इसको दिखाता हूँ चला के आपको, मैनिपुलेट करते हैं इसको। जैसे अब इसमें 30 ml की सीरीज इसने जो है डिटेक्ट की है। अब हम इसमें फ्लोरेट डाल देते हैं कोई भी, 50 ml बराबर। देखो, अब ये अलार्म दिखा रहा है, चला नहीं है कि जो प्लंजर है ना, या तो प्रॉपर फिट नहीं है या फिर हमारी सीरिंज जो है उसमें लगी नहीं है। देखो, अब हम इस बटन को दबाएंगे ना तो अलार्म बिल्कुल एकदम बंद हो जाएगा। अब हम इसको इसको मैंने दबा लिया है, और अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सीरिंज पंप हो गया चालू, और जैसे ही मैं देखना बटन को छोड़ दूंगा ना, फिर अलार्म आ जाएगा। इसका मतलब कि या तो सीरिंज अट गई अपनी जगह से, गिर गई है। देखो, आ गया ना अलार्म, ये जो है ना इसकी बटन की वजह से आता है। कई बार क्या होता है, हमारा जो सीरिंज हमने डाली है वही प्रॉपर डाली है, बटन भी दबा हुआ है, सारी चीज़ ओके हैं, बट फिर भी अलार्म आ रहा है, तो इसका मतलब जो है ना हमारा ये बटन है जो अंदर से ख़राब हो गया है। उसके लिए हम इसको खोल के इस बटन को रिपेयर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कई बार इसमें बस वही है, कचरा चला जाता है। हमने इसको खोल के इस बटन को निकाल के पेट्रोल में धो लो, या फिर IPA सॉल्यूशन आता है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, उसमें साफ डुबो के रख दो, घंटे 2 घंटे बाद उसको निकाल के ऐसे ऐसे साफ करके
सुखा के फिर लगा दो, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिर भी नहीं चलता और हमारे पास ये बटन स्पेयर में नहीं है, तो उठा के इसको सीधा बाईपास कर दो, अंदर से दोनों वायर को ना जो है मिला दो, तो ये हर समय ये सोचेगा कि बटन दबा हुआ है, ठीक है, इससे दिक्कत कोई नहीं आती। एक ये प्रॉब्लम होगी सिरिंज डिटेक्ट ना होने की, दूसरी प्रॉब्लम ये होगी मेन, तीसरी प्रॉब्लम मैं आपको बता देता हूँ, पावर कॉर्ड लगाने के बाद भी यहाँ पे जो है नहीं आता पावर इनपुट का, जो लाइट नहीं जलती। तो इसका सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करना है, जो ये पावर कॉर्ड है, हो सकता है पावर कॉर्ड ख़राब हो गया हो, पावर कॉर्ड इसकी हटा के किसी दूसरी पावर कॉर्ड जो कि हमें पता है कि भी जहाँ चल रही है दूसरी मशीन, उसको निकाल के इसमें लगा के चेक करो। अगर फिर भी नहीं आती तो मतलब पावर कॉर्ड तो सही है, सिरिंज पंप में दिक्कत है हमारे, इसमें फ्यूज़ बाहर नहीं होते, फ्यूज़ होते हैं इसके अंदर, ये जो पेंच खोलो पावर सप्लाई बोर्ड होता है यहाँ पे, उससे पावर सप्लाई को जो है ओपन करो और उसमें फ्यूज़ मिलेंगे आपको एक या दो, उस फ्यूज़ को चेक करो। अगर फ्यूज़ को चेक करो, फ्यूज़ अगर उड़ा हुआ है तो नया फ्यूज़ लगा के फिर लगा के देखो, चला के देखो, फिर भी पावर नहीं आती तो मतलब कोई ना कोई और दिक्कत है। और अगर हमारा फ्यूज़ नया फ्यूज़ लगाते ही हम उसको जैसे ही ऑन करते हैं फिर से फ्यूज़ जो है ख़राब हो जाता है, तो पता है इसमें प्रॉब्लम आगे तक पहुंच गई है पावर सप्लाई बोर्ड में। पावर सप्लाई में ना एक कंपोनेंट होता है MOV लिखा हुआ, तो सिर्फ MOV राउंड शेप में होता है, इसका काम होता है, उस कंपोनेंट का काम होता है, अगर हाई वोल्टेज हमारे जो है इंस्ट्रूमेंट में जाती है तो वो कंपोनेंट शॉर्ट हो जाता है। उस कंपोनेंट का एक पैर जो है लाइव उस पे होता है वायर पे, एक होता है न्यूट्रल वायर पे, जब तक वो शॉर्ट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर ऐसी हाई वोल्टेज आती है वो कंपोनेंट जो शॉर्ट हो जाता है अंदर से, और इनको जो लाइव को न्यूट्रल को मिला देता है, जैसे ही वो मिलते हैं तो फ्यूज उड़ जाता है, ठीक है। वो जो MOV कंपोनेंट होता है हमारी सेफ्टी के लिए होता है, ताकि अगर हाई वोल्टेज आए तो सिर्फ MOV खराब हो, आगे तक पूरी सप्लाई खराब ना हो, पूरा जो है इक्विपमेंट खराब ना हो। हमें क्या करना है, या तो MOV को अगर हमारे पास और MOV कंपोनेंट नहीं है चेंज करने के लिए, तो हमें MOV कंपोनेंट को ना उसमें से बोर्ड में से निकाल के फेंक दो और अपना नया फ्यूज़ लगा के चलाओ मशीन को। बट उसमें रिस्क रहता है कि अगर फ्यूचर में कभी हाई वोल्ट आती है तो फिर हमारी पावर सप्लाई आगे तक ख़राब हो सकती है, तो बेटर मतलब बेस्ट तो यही है कि दूसरा MOV मार्केट से लाओ और लगाओ, अगर नहीं है तो हमको उसको निकाल के चला सकते हैं अपनी मशीन को। ये जो है बेसिक बेसिक सी चीज़ें मैंने आपको बताई है। थैंक यू, सब्सक्राइब करो चैनल को, हर एक इक्विपमेंट के बारे में बताऊंगा इस चैनल पे, हर एक मेडिकल इक्विपमेंट के बारे में, वेंटिलेटर, डे पैप, सीरेंज पम्प, बाई पैप, मोनिटर, एनेस्थेसिया मशीन, ओटी टेबल, ओटी लाइट, सब के बारे में, रिपेयरिंग का ही बताऊंगा मैं, उसका यूज़ का ही बताऊंगा, ट्रबल शूटिंग का ही बताऊंगा। ओके, थैंक यू।